हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को डिस्काउंट चैप्टर जिसे कि हिंदी में बट्टा कहते हैं का क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अवेलेबल कराने जा रहा हूं। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यह परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से यह बिलोंग्स करता है। और आप सभी जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस चैनल को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सारे वीडियोज को शुरू से लेकर अंत तक काफ़ी ध्यानपूर्वक स्टडी करें। आप पाएंगे, आप देखेंगे कि आपको यह बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है। तो आप उसी कड़ी में देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है, विक्रेता 20% बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए, बट्टा का अर्थ क्या होता है? डिस्काउंट, छूट देना। जैसे कि 100 रुपया का वस्तु है, अगर हमको 80 में मिल रहा है तो यहाँ डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 20 रुपया। और जब 100 पर कैलकुलेशन होता है तो उसे बट्टे की दर भी कहते हैं। बट्टे की दर का अर्थ हुआ कि 100 में कितना हमको डिस्काउंट आ रहा है। तो यहां पर देखिए, क्रय मूल्य पूछ रहा है। हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे। हम लोग मान लेते हैं, हम लोग क्रय मूल्य इज इक्वल टू मान लिया एक्स। अब यहां हो जाएगा विक्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य। जैसे 600 का वस्तु है तो 600 के वस्तु को हमको बेचना है 20% डिस्काउंट पर। 20% घट जाएगा तो हो जाएगा 600 का 80% में बिकेगा। और यहाँ क्रय मूल्य हम एक्स मान रहे हैं तो हमको 20% का फ़ायदा हो रहा है। इसका मतलब मेरा क्रय मूल्य जो है 20% बढ़ेगा। इसको 20% बढ़ाने का अर्थ हुआ इसे मल्टीप्लाई करेंगे 120/100 से। अब ये कट जाएगा, ये यहाँ से कट रहा है 5 बार में। 80 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा। इस तरह हमारा क्रय मूल्य कितना आया? 400 रुपया। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 20% है कॉमा है, 25% है कॉमा है, 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 रुपया वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। बट्टा श्रेणी है ये, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य 1500 का वस्तु है, 20% पहले इस पर डिस्काउंट आएगा, इसका वैल्यू अब हो जाएगा 1500 का 80%। जो वैल्यू आएगा, बट्टा श्रेणी का अर्थ ये हुआ जो वैल्यू आ रहा है 20% काटने के बाद, उस पर फिर 25% का डिस्काउंट आएगा। और फिर इतना जो आया वैल्यू, अब उस पर 10% अगेन आएगा डिस्काउंट, इस पर मिलेगा 10%। तो यहाँ हो जाएगा 90/100। और अब आप कैलकुलेट कीजिए। देखिए, 2 1 3 1 4 0 काट दिया। अब यहाँ से 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से ये 2 बार में कट गया। अब यहाँ पर हो जाएगा 15 9 135 और दोतिया 6 6 5 30 का 0 आ जाएगा। बाकी 3 6 18 3 21 बाकी बचेगा 2 6 2 8। यानी इस तरह हमारा ऑप्शन जो बी है ये हमारा आंसर सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपया में बेची गई। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। हम लोग अब सॉल्यूशन में जाएंगे। अंकित मूल्य इज इक्वल टू, मैंने मान लिया एक्स रुपया है अंकित मूल्य। अब हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य एक्स पर, अंकित मूल्य एक्स पर 20% का डिस्काउंट है तो कितना हो जाएगा, कितना में बिकेगा? 80% में।
और विक्रय मूल्य मुझे दिया हुआ है 24, ये कटेगा 24 8x बाय 10। अब 8 से कटेगा तीन बार में, x का वैल्यू 30 आया। इस तरह से वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा 30 रुपीज। ये हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर किया गया, यदि 25% की छूट पर बेची जाए तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना है। देखिए सॉल्यूशन में जाएंगे, लाभ या हानि, लाभ या हानि परसेंटेज में इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये होता है, ये एक्स जो है अंकित मूल्य एक्स परसेंट बढ़ा कर किया और वाई परसेंट छूट, यानी इसका अर्थ ये हुआ किसी वस्तु का दाम x परसेंट बढ़ा दिया गया है और y परसेंट का डिस्काउंट आया है, तो हमें x का मान यहाँ से कितना आ रहा है, 20% बढ़ाया है तो x का मान 20 और y का वैल्यू कितना डिस्काउंट किया है 25, हमें यहाँ पर x का वैल्यू जो आ रहा है 20 और y का वैल्यू जो आ रहा है 25, और यहाँ हो जाएगा 20 × 25/100। इसको सॉल्व करेंगे, ये जो है 20 से कटेगा पांच बार में, 5 × 25 तो यहाँ से आ रहा है -5 और -5 -10% आ गया। यहाँ देखिए आपको, यहाँ मैं लिख दिया हूँ लाभ या हानि, इससे आपको जब तक आप जो है क्लियर सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो जब नेगेटिव आएगा, अगर नेगेटिव आ जाएगा तो लॉस हो जाएगा, और इसका वैल्यू स्ट्रक्चर का पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है इसलिए क्या हो जाएगा और लॉस, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है -10%, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10% हानि। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है, वह 25% की छूट पर बेची जाए तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना है। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम लोग अब सॉल्यूशन करेंगे। देखिए जैसे हमें x का वैल्यू कितना आ रहा है, जो दाम बढ़ा के लिखते हैं उसे x द्वारा इंडिकेट करते हैं, x = 40 आया, और y = जितना डिस्काउंट करते हैं उसे हम लोग y से लिखेंगे। अब हो जाएगा फॉर्मूला लाभ या हानि x - y x * y/100। फार्मूला लिखे, 40% बढ़ा के लिख रहा है, यहाँ हो जाएगा 40 घटाया कितना 25, तो यहाँ y का वैल्यू 25 आएगा और 40 × 25/100। अब आप इसे कैलकुलेट कर दीजिए, 25 से कटेगा, 25 से कटेगा चार बार में, 4 से ये कटेगा 10 बार में, तो यहाँ 40 में से 25 घटेगा तो 15 - 10, तो ये आया प्लस में आ रहा है, प्लस आया 5%। तो मैं बताया था नेक्स्ट जो जस्ट पहले क्वेश्चन बताया कि अगर प्लस में अगर आएगा, प्लस में आएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा वैल्यू, और माइनस में आएगा तो लॉस हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस आ रहा है, +5%, तो यहाँ इसका आंसर जो आएगा 5% प्रॉफिट आएगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, और अगेन कहना चाहूँगा आप सारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक स्टडी करें। थैंक यू वेरी मच।